नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान। और जैसा कि आपको पता है कुछ मैंने ब्रेक ले लिया था अपने मॉर्निंग शो पे, तबीयत नासाज थी और वापस मैंने कहा कि काफ़ी लोग तंग कर रहे थे मुझे पोस्ट कर करके कि भाई तारा रारा किधर गायब होगी, तारा रारा ने छोड़ तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा दोबारा आए नए धमाके के साथ, नए तरीके के साथ और एक ऐसे मेहमान के साथ कि आप जब सब देखें तो आप लोगों को हैरत भी हो। आप लोग उनके बहुत चाहने वाले हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, डाई हार्ट फैन हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी, उनकी तारीफ़ जितनी करूँ कम है। मैं उनको कहती हूँ भाई ये शेर है हमारे लिए, इस मुल्क का सरमाया है। और जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो मौजूद है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका भी बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपका बाइकिंग का भी बड़ा फ़ैन हूँ, अभी मैं आपका टिकटॉक फ़ैन भी बन गया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी आपकी आपकी शो पर आने का। सो थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है, सुनने में आया तबीयत में बीमार है, तबीयत आपकी आज है? आजकल ये वायरल कोई चीज़ हो रही है, काफ़ी महीने से वायरल कोई चीज़ हो रही है, मगर अभी तो तबीयत काफ़ी बेहतर है। मैं सबसे कहता हूँ कि प्लीज़ दुआएं करें हमारे लिए हमेशा। मगर तबीयत और भी ज्यादा बेहतर हो गया क्योंकि मैं आपके सामने ऐसा ही बैठा हूं। और दुआएं के साथ साथ आप अपना सदका भी दें क्योंकि जाहिर सी बात है इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इंसान को नजर लग जाती है जी, तो सदका बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं, हम दे रहे हैं सदका, अब शो के बाद हम आपका सदका खुद देंगे। थैंक यू। तो भाई मुझे ये बताएं, आज वैसे तो बड़े सवाल हैं लेकिन टाइम भी हमारे पास कम है, तो हम जो लोगों को जवाब चाहिए थे मुझे कमेंट्स में बता रहे थे, एज एन आर्टिस्ट आपकी जो कढ़ाई का काम करते हैं, मैंने वीडियोस देखी, ये शौक कैसे पैदा हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल है एज अ गर्ल, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे करते हैं। आई थिंक मतलब जो सिंपल टांके हैं सबको आनी चाहिए, एंड आई थिंक एस्पेशली ये मुझे ताना लग रहा है गाइस। नहीं, आई थिंक मगर ये जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री है ना, जो ब्रांड्स है जो हमारे पास है, जो कि इतने सारे कपड़े बना रहे हैं और जो लो क्वालिटी भी कपड़े बना रहे हैं, यू नो आई थिंक दिस हैज़ रुइंड के हमारा जो स्पेशली ख़ासतौर पर सिंध में सबको आती थी जी टांके बनाने। हाँ ऐसा ही है, मगर आजकल हम ये फास्ट फैशन का ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन आपने इन अमेरिका इस चीज पे इतना वर्कआउट किया, अपने कल्चर को याद किया। कल्चर को याद, मैं बेसिकली ऐसे करता था, तो मैं आर्ट स्कूल भी गया था। अच्छा। हाँ, मगर आर्ट स्कूल में मैंने ये नहीं सीखा। जब मैंने ग्रेजुएट किया, यू नो मुझे पाकिस्तानी टेक्सटाइल का इतना बड़ा शौक था, एंड आई जस्ट लर्न के यूट्यूब से कि लोग कैसे रली बनाते हैं, सारा सच आ रहा है। तो यूट्यूब से लोग रली कैसे बनाते हैं, प्रिंट मेकिंग कैसे करते हैं। प्रिंट मेकिंग तो मैंने वैसे यूनिवर्सिटी में सीखा, मगर और फिर जब एम्ब्रॉयडरी सीख रहा था, मैं बेसिकली गुजराती और सिंधी खवातीन के वीडियोस देखता था। जो भी हमारे आंटीज़ हैं इनकी वीडियोस देखता था कि सिंधी टांका कैसे बनाना, ख़ास तौर पर सिंधी टांका और शीशा काम। तो मेरे पास एक प्रैक्टिस हुप होता था और मैं कभी आप मुझे सिखाए ना, ये मैं सिखाऊंगा आपको बिल्कुल, मगर आपके पास एक प्रैक्टिस हुप भी होना चाहिए, वो मैं ले लूंगी। हाँ वो बताइएगा। आपको पता है मैं वो सुई में धागा डालती हूँ ना, यूं करके कर अरे डल जा। ये तो सबसे मुश्किल है। ये तो सबसे अभी मुश्किल तो मुझे है। ग्लासेस लगी हैं तो ग्लासेस के बावजूद भी वो नहीं डलता। नहीं ये क्यों, आई थिंक ये मसला है कि आपके सुई जो है इनका आंख और भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो आप खरीद लें, वो आप जाके खरीदें, बहुत सारे ऑर्डर पे बनवाऊं कि इसका आंख मुझे बड़ा दे। इवन ऐसा होता है कि जो धागा होता है वो मैं कहती हूँ शायद वो मोटा हो रहा है, तो मैं उसको काटती हूँ धागा, आधा धागा क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करने से ये इसका मतलब क्वालिटी, हाँ बिल्कुल खुल जाता है। आई थिंक यू जस्ट नीड अ बिगर आई और इंशाल्लाह
सही हो जाएगा, एक एम्ब्रॉयडरी सुई इस्तेमाल करें। बस डन हो गया, अभी मुझे तकलीफ आएगी तो मैं आपसे एडवाइस लूंगी। थैंक यू भाई। इसमें टेक्सटाइल में क्या क्या, अच्छा ड्रेसेस का बताएं आपको कैसे, मतलब वुमेन्स की होती हैं, इसका इंटरेस्ट है कि भाई मैं इसमें भी कुछ अपना ब्रांड लॉन्च करूँ, होता है ना, क्योंकि सब चीज़ें आपको आती हैं, तो कुछ है फ्यूचर प्लान? मेरा प्लान्स है कभी कभी, मगर जो यू नो स्पेशली गैलरीज जो है इनका डिमांड काफ़ी अलग होता है, यू नो कि उनको पेंटिंग जैसे पीस चाहिए। सो फॉर मी गोइंग इनटू कमर्शियल वर्क ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मुझे इसको टाइम भी देना है, इस पर फोकस भी करना है, और मुझे मेरी ये परेशानी भी है कि जो मेरे मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, कि उनको कैसे ट्रीट करें, और इनकी डिग्निटी भी कैसे मतलब ऊपर करें, यू नो इनका भी टैलेंट हम दिखाएं। तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि लो वेज लेबर्स रख लूँ अपने अपने काम के लिए। तो यू नो इस जब स्टार्ट करें तो मैं सीखूंगी भी और करूंगी भी। सही है। हमारा कारखाना हम बनाएंगे साथ। डन है। एक फैक्ट्री जैसे हमारे सीएवर ब्रांड है, उसमें मैं वर्कआउट कर रही हूँ, उसका है गुलशन है मेहमान में, तो मैं यहाँ से जाती हूँ जो फैक्ट्री, तो मैं थक जाती हूँ, मैं कहती हूँ अरे अब इतना काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो हम लोग कारखाना बनाएंगे, ये मैं सीएवर वालों को कह रही हूँ, तो नजदीक बनाएंगे। सही है। अच्छा अब हम आते हैं ट्रांसजेंडर्स पर। मैंने आपको देखा मूर्ति मार्च में आप गए, उसमें आपने उनको काफी प्रमोट किया, सपोर्ट किया, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसा, क्यों ऐसा? यू नो आई थिंक मैं बचपन से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहा था, जो हमारा माइनॉरिटीज़ हैं, जो सिंध के ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ हैं, और मैं मुकाबला भी करता था कि मतलब ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटी, क्यों माइनॉरिटी का क्या मतलब है, हम तो समझते हैं कि ये गिनती में कम, बिल्कुल मगर इसका असल मतलब है कि सियासी ताकत में कम। अच्छा, तो जो मेजॉरिटी है इनका इनका पावर ज़्यादा है ना, जो मिसाल के तौर पर पंजाबी सुन्नी मुसलमान मर्द वो यू नो अब जो अमीर भी हैं यू नो इनका ज्यादा ताकत है, जैसे पुअर पीपल्स हो गए, ट्रांसजेंडर्स, हाँ ये सब मार्जिनलाइज्ड है, पुअर पीपल, अगर वो पुअर पीपल्स फिर भी मेजॉरिटी में है, मगर हम उनको फिर भी माइनॉरिटी कहेंगे, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है। एंड जो ख्वाजा सरा है, जो ट्रांसजेंडर औरत हैं या मर्द भी हैं, इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। अगर वो पुलिस के पास जाते हैं, अगर कोई इनके साथ मतलब कोई बुरा चीज़ होता है, और अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो वो इंसाफ नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है। और अगर किसी हिंदू के साथ भी यू नो इनजस्टिस हुआ है, तो वो भी इंसाफ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं इस कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ, जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है मैं उनको हमेशा के लिए सपोर्ट करूँगा, ये मेरा वायदा भी है। इंशाल्लाह। तो भाई अच्छा, आप जब पाकिस्तान आए आपको कैसा लगा? सिंध में गए, आपने वर्कआउट किया, इतना सैलाब में आपको हमने देखा, पांचे ऊपर आपकी पिक्चर हमने बड़ी फेसबुक से चौराई, और इवन उसके तीन तीन स्क्रीन शॉट भी किए कि वो गुम ना जाए। तो उसमें आपने वर्कआउट किया, तब आपको कैसा लगा जब आपने अपने सिंध के लिए काम किया? मेरा सिंध तो मेरे यू नो कभी मैं कहता हूँ कि सिंध मेरी माँ है, यू नो सिंधु दरिया भी माँ है। एग्जैक्टली। एंड मैं डॉल्फिन के ऊपर, शायद आप जानते होंगे, मैं डॉल्फिन के ऊपर, जो हमारे सिंधी बुलहन और मतलब पूरे पाकिस्तान में मौजूद है दरिया सिंध पर, मगर ये तो एक सिंधी निशान है, जो बुलहन है, डॉल्फिन है। तो जब मैं वापस आया US से 2020 में, तो मैं वापस गया था लारकाना, और उसके साथ सखर और दरिया काफ़ी टाइम के बाद मैंने देखा, और बुलहन भी देखी, और आवाम के साथ मेरी यू नो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। सो यू नो आई फेल बैक इन लव विद माई सिंध, आई फेल बैक इन लव विद द नेचर, विद द पीपल। फिर जब सैलाब आया, मतलब मैं कराची में था और मैं बैठ नहीं सकता था,
यू नो मैंने कहा कि मुझे जाना है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, मैं एम्प्टी हैंडेड गया था, मगर मुझे सिचुएशन देखना था. एंड यू नो इट फिल्ड मी विद सो मच सैडनेस कि सब के घर गिर रहे थे, मेरे सामने लोगों के घर गिर रहे थे. तो मैंने अपनी बहन के साथ और हमारे जो क्लोज फ्रेंड है मिनाल मुंशी, हमने ये इंडस रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया था और विद द हेल्प ऑफ द ईदी फाउंडेशन ऑल्सो एंड लीगल एड सोसाइटी एंड चाइल्ड लाइफ वी वर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट राशन एंड ऑल दीज थिंग्स. और हम अब तक भी राशन डिस्ट्रीब्यूट देखिए ना, क्योंकि हमारे पास इतने सारे लोग हैं, हम लोग ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं. तो हमने कोशिश की हम लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकें जो उनको नीड है. तो अब मैं जब गई जामशोरो तो मैंने देखा कि ज़रूरियात से ज़्यादा ख्वाहिशात थी लोगों की, हमारे पास ये भी हो ये भी हो. तो हम लोगों ने देखा जितना हुआ आपने जैसे किया हमने किया. और सबसे पहले मैं अपने पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने लोगों ने बाहर निकल के मेरी तरह चंदा जमा किया. बिल्कुल. इवन हम लोग जब रोड्स पे गए तो मैं आपको शेयर करती हूँ, एक लड़के ने कहा आपके पास आपको क्या ज़रूरत है भीख मांगने की, आप तो इतनी मतलब. मैंने कहा हम अपने सिंध के लिए निकले हैं तो इसमें मुझे शर्म नहीं है. अगर मैं 10 रुपये भी किसी एक गाड़ी से ले रही हूँ तो मुझे कोई शेम फील नहीं है. तो आपको क्या, आपको देते हुए हो रही है तो आप नहीं दें. बिल्कुल. तो ऐसे ऐसे लोग हमें मिले. लेकिन वो कहते हैं 5 fingers आर नॉट इक्वल, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं. तो जब अभी हमारा सिंध जाके थोड़ा सा हमें सांस ली कि अब ओके है, थोड़ा सिचुएशन सही है. तो अभी भी मैंने देखा था आप गए हुए थे मेडिकल कैंप्स वगैरह में, उसमें क्या हम जुड्डो गए थे जो कि थरपारकर के करीब है. ये अपना मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में है, मुझे एक्चुअली सही से याद नहीं, नोकोट से बिल्कुल साथ है. और वहाँ पे भी लगाए थे क्योंकि हमारे दोस्त ने भी दावत दी और हमने उसी एरिया को टच नहीं किया. यू नो मेडिकल कैंप हमने वारा में किया था और हमारे लारकाना में भी किया था, मगर फिर भी कुछ कुछ तवज्जा जो थरी लोगों को भी देना चाहिए. सो इसलिए हम गए थे. और अब तक सैलाब का मतलब अभी तक पानी नहीं निकला हुआ, यू नो बहुत सारे जगहों से. और हमारा सिंध जो ड्रेनेज है उनको हमें सही कराना चाहिए. यू नो आई मीन पहले जो जो हमारा हम तो ऐसे देखते हैं कि सिंध एक रेगिस्तान है. Exactly. और हमारा सिर्फ एक ही दरिया है, मगर ये इरिगेशन वगैरह से पहले सिंध में बहुत पानी होता था. बहुत पानी होता था. हाँ, फिर डैम्स के बाद हमारा पानी कम हो गया. और ये आप ये इनका तारीख आप फॉलो कर सकते हैं कि पानी कब ख़त्म हो गया सिंध में. So this is also something we have to fix. Okay. खैर, best of luck for your future. Thank you. और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, अगर आप हमसे शेयर करें कि फ्यूचर में आपको क्या करना है और एज एन आर्टिस्ट फील्ड में कैसे आपको इस अपने फील्ड को लेके चलना है. यू नो मैं ज़्यादातर आर्ट इंडस के बारे में बना रहा हूँ. Okay. ताकि लोग और जो इंडस के जानवर के बारे में भी बना रहा हूँ और इन सिंधु दरिया के आवाम के बारे में भी बना रहा हूँ ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ जाए. और ताकि क्योंकि जो लोग पंजाब में बैठे हुए हैं उनको नहीं पता है कि सिंध में क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. यू नो और जो लोग कराची में भी बैठे हुए हैं उनको भी नहीं पता है कि इनके सिंध में क्या हो रहा है. तो हमारी अवेयरनेस पता लगाने जाते हैं. हाँ, तो हमारी अवेयरनेस तो यू नो बहुत कम है सिंध के बारे में. तो मैं उसी रास्ता पे जा रहा हूँ कि हमारे अवेयरनेस को थोड़ा कि हम और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में. वुमेन एम्पावरमेंट आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं. वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली यू नो सिंध पाकिस्तान का सबसे लिबरल सूबा है. एग्जैक्टली. मगर फिर भी a woman's life in this province is very difficult. Bahar nahi nikal sakte aur medical health care khawateen ke liye bhi bahut bura hai, bahut bura hai. So this is also something that needs improving. Magar you know I think jo kaam aap kar rahe hain ye bahut aham kaam hai.
और सिर्फ वुमेन इनके अपने कम्युनिटी को मतलब आगे लेके जाया जा सके, उनको भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकें कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट को भी जोर दिया जाए, औरत भी बहुत कुछ कर सकती है अगर उसको मुआशरे में इजाज़त दी जाए, उसको फैमिली सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बगैर मैं क्या, आप क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी फैमिली की सपोर्ट उसके साथ नहीं है, इवन पेरेंट्स की। और खैर ये तो गपशप चलती रहेगी, अगर हम जितना इसको करेंगे डिस्क्लोज तो ये होता रहेगा, खुलता रहेगा टॉपिक, कोई ना कोई बात से बात निकलेगी। तो मैं आपसे भी इजाज़त लूँगी क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता चला कि आपको भी एक अहम काम में जाना था, तो हम इस चीज़ को वाइंड अप करेंगे, लेकिन इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे फिर किसी नए अपने ट्रांसमिशन में बैठ कर, जहाँ हम लोग और भी अपने सिंध के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकें कि हमने इन फ्यूचर क्या किया, और अच्छे काम कर सकें जो आपके सामने लेकर आएँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को जो इस टाइम हमारे साथ रहे, हमें देख रहे थे? अपने कम्युनिटी के लिए काम करें, मेहनत करें। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त में है, तो हमें सिर्फ ये इसकी ज़रूरत है, मेहनत, कम्युनिटी के लिए मेहनत, और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को भी यू नो सपोर्ट करें, मेक श्योर आवर पाकिस्तान इज क्लीन एंड ब्यूटीफुल। और अजरक में आप बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, थैंक यू, आपके अजरक के लिए बहुत शुक्रिया। और ये क्राफ्ट्स भी कदर दें, ये क्राफ्ट्स भी आपको कदर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से गरीब लोग हैं जो कि इनके क्राफ्ट में इतने मेहनत बिल्कुल यू नो तो हम तो बस परचेज करके आते हैं, जो ये करते हैं उनको, उनसे पूछे कितनी मेहनत है। बिल्कुल, मतलब ये घंटों घंटे दिन, मतलब अभी तो मैंने आपकी एक चादर बनने के लिए दी हुई है, उस ब्रांड को भी बताऊंगी जल्दी, जिस पे आपका नाम लिखा जा रहा है बाय हैंड, ठप्पे के काम से वो पूरी बन रही है। और उसमें 3 मंथ्स लगते हैं, आपको भी पता होगा कितना टाइम लगता है, और जब वो बन के आएगी तब वो आप देखिएगा। हाँ ओके, थैंक यू, थैंक यू। और आपके जो शादी आउटफिट वाले हैं वो भी महीने भी उसमें महीने में लगे हुए हैं कि जुल्फिकार का नाम हम लिख लें। थैंक यू, ओके। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए आर्टिस्ट के साथ, नई आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी तो आप थे। तो गाइस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।